चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। यहाँ का नौजवान तोप पर सवार होकर के पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाएगा और तोप गरजेगी, पाकिस्तान के क्या हाल होंगे। बुंदेलखंड की माटी आने वाले समय में सोना उगलने का काम करेगी। सोना नाम समाजवादी है लेकिन काम तमंचावादी है। बसपा की सरकार ने मोहन जी का हाथी का पेट ही इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन ही उसमें समा जाएगा। जब मैं बुंदेलखंड आता हूं तो मुझे भारत का एक तीर्थ नजर आता है। हर जिले में पौराणिक तीर्थ के साथ साथ पूज्य संतों, ऋषियों, मुनियों, योगियों के तप और साधना से पूरा क्षेत्र इतना पवित्र है कि अंतःकरण प्रफुल्लित होता है। भाइयों बहनों, महोबा तो मेरे इष्ट भगवान गोरखनाथ की साधना स्थली है, तपोभूमि है और मैं इस धरती को नमन करता हूं। साथ ही साथ आला उदल जैसे वीर योद्धाओं की भूमि भी है और आला उदल के वीरता को कौन विस्मृत कर सकता है। बुंदेलखंड तो वीर और वीरांगनाओं की भूमि है। हर एक जनपद में, हर एक कस्बे में, गांव गांव में यहां पर वीरत्व तो फूटता है, दिखता है और इसलिए अपनी पौराणिक, ऐतिहासिक और वीर वीरांगनाओं की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज माघी पूर्णिमा है, संगम में स्नान हो रहा है और साथ ही साथ आज संत शिरोमणि रविदास जी की भी पावन जयंती है। मैं मध्यकाल में पूरे भारत को आलोकित करने वाले मनचंगा तो कठौती में गंगा का आह्वान करने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को भी कोटि कोटि नमन करते हुए आज मैं प्रातः काल उनकी जन्मभूमि काशी के सीर गोवर्धन में गया था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं देश से। मैंने सुबह का लंगर वहीं पे लिया और फिर वहीं से मैं हमीरपुर होते हुए आपके इस महोबा में आया हूं। भाइयों बहनों, जब मैं महोबा की बात करता हूं तो सचमुच मुझे बार बार ये पंक्तियां याद आती हैं कि बड़े लड़ैया महोबे वाले, इनकी मार सही न जाए। अब वक्त आ गया है इसको दिखाने का। भाइयों बहनों, जिन्होंने बुंदेलखंड की जनता को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, उन लोगों को जवाब देने का अवसर आ गया है। क्या अपनी वोट की चोट से उनको इतना तरसाइए कि दशकों तक वे और उनकी आने वाली खानदान उत्तर प्रदेश की राजनीति से दूर चली जाए। हर घर नल की योजना साकार हो रही है आपके यहां, हर गांव में हो रही है, हर घर तक शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाएंगे। केवल पाइप पेयजल नहीं है, ये आरओ का पानी एक एक घर में पहुंचाएंगे और महोबा का नौजवान स्वस्थ और पुष्ट होकर के देश की सुरक्षा के लिए फिर से अपने बोझ और वीरत्व के साथ आगे बढ़ेगा। और अर्जुन सहायक जैसी परियोजनाओं का पूरा होना, अभी तो हम लोग केन और बेतवा नदी को भी जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, उसका लाभ भी महोबा को प्राप्त होने वाला है। बुंदेलखंड की माटी
आने वाले समय में सोना उगलने का काम करेगी सोना। आपने अभी तो अर्जुन सहायक परियोजना से जुड़े हुए तमाम बांधों को भरते हुए देखा है भाई, अभी तो चरणबद्ध तरीके से भरे गए 10%, 25%, 35%, 50%, 75% और जिस दिन सभी बांध 100% भर जाएंगे, यहाँ के खेतों के लिए और बुंदेलखंड की जल की समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। भरे जाते हैं और ये सभी जितने ताल तलैया हैं, बांध हैं, इनके विकसित होने के साथ ही बुंदेलखंड हजारों वर्षों से जिस एक एक बूंद पानी के लिए तरसता था, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपकी इस बड़ी समस्या का समाधान किया। और मैं इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि 2017 के पहले 1947 से कृपया के बाद 70 वर्षों तक जिन्होंने एक एक बूंद पानी के लिए बुंदेलखंड वासियों को, महोबा वासियों को तरसाया था, आज अपनी वोट की चोट से उनको इतना तरसाइए कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियां राजनीति में आने का नाम ही ना ले। भैया बहनों, वर्तमान में पूरी दुनिया और पूरा देश इस सदी की सबसे बड़ी महामारी की चपेट में, कोरोना महामारी इस सदी की सबसे बड़ी बहुत सबसे बड़ी महामारी। दुनिया में लाखों लोग मर चुके हैं और भाइयों बहनों, इस महामारी के सामने सभी संसाधन फेल हो गए। अमेरिका जैसा देश मस्त है, अमेरिका की कुल आबादी है 33 करोड़ और 33 करोड़ की आबादी में 7 लाख लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में जहां पर सब कुछ अत्याधुनिक है, जब अमेरिका इसको कंट्रोल नहीं कर पाया है और उनकी क्या स्थिति होगी। लेकिन हम सब आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, एक अभिभावक के रूप में, देश के एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने, उसकी आजीविका को भी बचाने का जो उन्होंने बेहतरीन प्रबंधन कोविड का किया है, आज पूरी दुनिया उनकी सराहना कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर उस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, कोरोना में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है, अभिनंदन आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। भाइयों बहनों, ये कोरोना वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। जो संकल्प था हमारा पहले दिन से, कोरोना हारेगा भारत जीतेगा, ये भारत को विजयी बनाने का संकल्प था। लेकिन जैसे ही नारा दिया कोरोना हारेगा भारत जीतेगा, सपा के नेताओं के ने, कांग्रेस के नेताओं ने नारा लगाना शुरू कर दिया था और कहना शुरू कर दिया था कि वैक्सीन नहीं लेंगे, ये वैक्सीन तो भाजपा का वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है। आज भाइयों बहनों, उनको जवाब दीजिए, इसी मोदी वैक्सीन ने, इसी बीजेपी वैक्सीन ने हमारी जान को बचाया है, और जो जान को बचाएगा वही सच्चा साथी, शेष तो अवसरवादी है, इन अवसरवादियों की बहकावे लाने की आवश्यकता नहीं। भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन है, तो कोरोना कालखंड में डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की भी मिल रही होगी ना, महीने में 2 बार राशन मिलना है कि नहीं मिलना है, क्या ये राशन 2017 के पहले ही मिलता था क्या, सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, सपा की सरकार में सपा के गुरु के सब राशन खा जाते थे, बसपा की सरकार में पवन जी का हाथी का पेट ही इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन ही उसमें समा जाएगा,
और कांग्रेस को बोलना ही क्या है। जब देश में संकट आता है भाई बहन भारत छोड़कर भी चले जाते हैं। भाइयों बहनों, फ्री में राशन पिछली महामारी का इतिहास है कि जितनी मौतें बीमारी से होती थी उससे कई गुना मौतें भूख से होती थी, लेकिन एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया। यह पहली बार किसी महामारी में हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। भाइयों बहनों, कोरोना काल खंड में मैं हालचाल लेने गया था। मैं आया था, हमारे सांसद जी थे, हमारे विधायकगण थे, हमारे पदाधिकारी थे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सपा के मुखिया भी आए थे क्या हालचाल लेने के लिए? कांग्रेस की भाई बहन और बहन जी हालचाल लेने आए थे क्या? 2017 के पहले इस पूरे बुंदेलखंड में उन्होंने चालाका बना दिया था। यहाँ की खनन में किस तरीके से माफिया हावी हो गए, कैसे इन लोगों ने पूरे बुंदेलखंड को तबाह कर दिया था, विकास तो नहीं कराया। आज तो हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी दे रहे हैं, अगले कुछ महीनों में पूरा होगा। जब सरकार 10 मार्च को मिलेगी, होली के बाद भव्य तरीके से धूम धड़ाके के साथ आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होगा। और भाइयों बहनों, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे केवल एक्सप्रेसवे नहीं है, ये ठीक बात है कि दिल्ली की दूरी आपको मात्र 5 से 6 घंटे में पूरा करवा देगी। लेकिन भाइयों बहनों, इसमें हर जनपद में हम औद्योगिक क्लस्टर बनाएंगे, उद्योग लगाने के लिए जगह आरक्षित करने जा रहे हैं। अब मैं कह सकता हूं कि मेरे महोबा के लोगों को, यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया रोजगार पाने के लिए आपके पास आएगी और बुंदेलखंड रोजगार देने वाला बनेगा। पिछली सरकारें खनन में तो लूट करती करती थी। भाइयों बहनों, खनन के साथ साथ उन्होंने हर जिले में उनके गुर्गों ने अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगा दी थी। तमंचा बना दिया था, ये समाजवादी है ना, नाम समाजवादी है लेकिन काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। यानी इनका विकास क्या है कि सिपाही खानदान का विकास हो, बाकी सब भाग में चले जाए, यही करते हैं। और जगह जगह तमंचों की फैक्ट्री लगा करके युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन भाइयों बहनों, हम यहां पे डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना, यहाँ बुंदेलखंड का महोबा का ये पंक्ति सार्थक जो हमारे यहाँ का नौजवान करेगा कि पड़े लड़े या महोबे वाले इनकी माल सही न जाए। तो यहाँ का नौजवान तोप पर सवार होकर के पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाएगा और तोप गरजेगी, पाकिस्तान के क्या हाल होंगे। ये बीजेपी की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को न आने देने का संकल्प वही लोग ले रहे हैं जिन्हें लगता है कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो माफियाओं को ठिकाना लगाने के साथ साथ देश के दुश्मनों को भी ऐसे ही ठिकाना लगाने वाले हैं। परेशानी तो उनको ज्यादा है और इसीलिए वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, एड़ी चोटी लगा ली है कि हर हाल में भाजपा को रोकना है, हर हाल में भाजपा को रोकना है। लेकिन भाइयों बहनों, आप सबका आशीर्वाद है, भाजपा रुकने वाली नहीं, भाजपा तो बुलेट ट्रेन की तरह चलेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 300 पार फिर एक बार, 300 पार के नारे के साथ चल रही है, लेकिन 300 पार का नारा तब सार्थक होगा जब महोबादी और चरखागी में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। क्या आप सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, इन परिवारवादियों ने कितना बड़ा अन्याय किया था,
कितना बड़ा अन्याय किया था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आई थी तो हम लोगों ने किसानों का कर्ज माफ किया, बेटियों की रक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वायर का गठन किया और अवैध पोषण खाने भी बंद किए। हमारा तो संकल्प है कि हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। अन्ना प्रथा की समस्या का समाधान करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। कुछ गौ आश्रय स्थल खोल दिए हैं, इसकी संख्या को हम और बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, बुंदेलखंड में पहले चरण में ही यहां पर गोवंश की नस्ल सुधार की दिशा में, यहां की गो माता 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं 5 किलो और 10 किलो दूध देगी और 90% गाय जो बच्चियां पैदा करेंगे आने वाले समय में, वह कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो चुका है। और दूसरा, हर गौशाला को ऊर्जा बनाने के लिए आप एलपीजी के लिए आपको आने वाले समय में टैंकर से नहीं, गौशाला में ही आपका एलपीजी का सिलेंडर जाएगा, वहीं पे रसोई गैस भरेगी और वही सिलेंडर आप घर में लेके जाइए, आराम से अपने घर का भोजन बनाइए। अब तो हम उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और यही कारण है कि अकेले महोबा जनपद में 46,400 से भी किसानों का कर्ज माफ हुआ था। और भाइयों बहनों, 1,37,500 से भी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का नाम 6,000 रुपए सालाना मिल रहा है यहां पे। भाइयों बहनों, अगर मैं पेंशन की बात करूं, 5,600 से भी दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन दे रहे हैं, विधवा महिलाओं में 14,200 से भी महिलाओं को हम लोग निराश्रित महिला पेंशन दे रहे हैं और 39,300 से अधिक वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन 12,000 रुपए सालाना दे रहे हैं। समाजवादियों ने ये सब पेंशन शुरू की थी, हमने पेंशन फिर से शुरू की है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में 14,232 गरीबों को एक एक मकान आपके महोबा जनपद में मिला है। 14,232 समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने लोगों को मकान मिला था? जीरो। जब ये मकान जीरो देते हैं तो उनको वोट भी जीरो दे देना, जो जैसा करेगा उसको वैसे ही परिणाम देने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, अब तो हम लोग अपने युवाओं के लिए, मैंने पहले डिफेंस कॉरिडोर की बात बोली थी, बुंदेलखंड का नौजवान भी हमारा स्मार्ट बनेगा, हर नौजवान के हाथ में स्मार्टफोन या टैबलेट होगा। कार्रवाई प्रारंभ हो गई, 200 नौजवानों को मिल चुका है, अन्य को मिल जाता, लेकिन सपा के लोगों ने चुनाव आयोग में कंप्लेन कर दी। लेकिन हमने तय किया है, अभी तो प्रदेश के 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं, सरकार बने दीजिए अपने 5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन देंगे। अब ये डबल इंजन की सरकार बने दीजिए, अभी तो डबल डोज राशन की दे रहे हैं, होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस भी देने जा रहे हैं। परेशान है सब, सपा के लोग परेशान है, वहां चाचा भतीजा इस बात के लिए परेशान है कि अगर कमाई उनकी बंद हो गई तो फिर कहां जाएंगे लोग, क्योंकि आज जो पैसे हम लोग एक्सप्रेस हाईवे में, डिफेंस कॉरिडोर में, घर घर नल जल, घर घर नल योजना में, अर्जुन सहायक परियोजना में, केन बेतवा लिंक जोड़ो, नदी जोड़ो कि मैं जो पैसा खर्च कर रहे हैं, गरीब के लिए मकान बनाने में खर्च कर रहे हैं, किसान के उत्थान के लिए कर रहे हैं, कन्या सुमंगला में खर्च कर रहे हैं, भाइयों बहनों, ये पैसा पहले भी था, लेकिन पहले यही पैसा इनका इत्र वाला मित्र लेके चला जाता था।
और उस इत्र वाले मित्र के लिए ही हम लोगों ने बुलडोजर भी निकाला है, एक नया बुलडोजर। अब वो सड़क ही नहीं बनाता बल्कि माफियाओं की छाती में भी बहुत अच्छे तरह से तरीके से चलता है। भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, मेरी आप सबसे अपील है कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, डबल इंजन की सरकार बने। आप सभी लोग सहमत हैं? याद रखना, मेडिकल कॉलेज हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के सामने सरकार कार्य करने जा रही है। 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे। कितने बने थे? और 5 वर्ष में हमने बनाए हैं 33 नए मेडिकल कॉलेज। कितने? 33। और अब हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी। 2 साल तो कोरोना ने हमारे खराब कर दिए, अन्यथा हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होता, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होता, चाहे वो महोबा है या हमीरपुर या चित्रकूट, हर एक जगह की मेडिकल कॉलेज होता। और भाइयों बहनों, चित्रकूट का अंतिम डकैत भी दूसरे लोग की यात्रा में जा चुका है। अब बुंदेलखंड पर्यटन का हब बनेगा। अब बुंदेलखंड, यहां की माताओं को अपनी गगरी लेकर के पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, पानी उनके घर में होगा, हर घर नल होगा। घर खेत बंजर नहीं होंगे, क्योंकि हर खेत को पानी और हर नौजवान के हाथ को रोजगार देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस अभियान को लेकर के आपके बीच चली है, वह नौजवान के लिए भी है, बुजुर्ग के लिए भी है, बेटियों के लिए भी है, माताओं बहनों के लिए भी है, व्यापारियों के लिए भी है, अन्नदाता किसानों के लिए भी है, स्पोर्ट्स के लिए भी है, रोजगार के लिए भी है, हर एक कार्य के लिए है। और आप सबसे मेरी अपील होगी कि 20 फरवरी को जब चुनाव होंगे, पहला काम मतदान का, फिर जनपानी का। पहला काम और फिर सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग हमारे दोनों प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके भेजेंगे, श्री राकेश गोस्वामी और ब्रजभूषण राजपूत को चुनाव जिता के भेजेंगे, दोनों हाथ लगाकर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत